दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Realme 8th ऑफ दिसंबर को इंडियन मार्केट में अपने Realme 10 Pro सीरीज 5G को लॉन्च करने वाला है। अब भैया इसको देखते हुए Redmi कैसे पीछे रह सकती है? जी हां दोस्तों, Redmi भी तैयार है अपने Redmi Note 12 सीरीज को लॉन्च करने के लिए। दोस्तों यहां पे Xiaomi इंडिया जो है Redmi इंडिया जो है यहां पे ऑफिशियली ट्वीट करना शुरू कर दे, यहां पे टीज कर रही है ट्वीट करके कि भैया हम बहुत जल्द जो है Redmi Note 12 सीरीज को लेकर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करूंगा Redmi Note 12 सीरीज के बारे में, कहेगा इसकी प्राइसिंग हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाली, इसकी कुछ स्पेक्स भी बताऊंगा एंड यही बताऊंगा कि आखिरकार इंडिया मार्केट में कब तक हमें लॉन्च देखने को मिलेगा। तो बस वीडियो में इंटरेस्ट जुड़िएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। तो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपसे क्लियर कर देता हूं कि यहां पे Redmi Note 12 सीरीज में कितने स्मार्टफोन फिलहाल लॉन्च होने वाले हैं। तो ऐसा लीक्स की माने तो यहां पे दो ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Redmi Note 12 Pro एंड Pro Plus, मतलब एक बेस वेरिएंट होगा Pro का और एक Pro का हायर वेरिएंट होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, Pro Plus भी हो सकता है या फिर Pro Max भी हो सकता है, जो भी नाम यहां पे रख दे कंपनी। अब दोस्तों यहां पे स्पेक्स की तरफ नजर डाले तो ऐसा बताया जा रहा है कि 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है इस बार भी हमें, एंड सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा जो कि पंचोली स्टाइलिंग के साथ में आएगा। एंड बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो ऐसा 5000mAh की बैटरी होगी जो कि ऑब्वियस 67W के फास्ट चार्जिंग के साथ में आएगा। हां, बैक की तरफ कौन सा कैमरा यहां पे अलाइनमेंट होगा उसके बारे में कुछ बाहर स्पेक्स निकल कर नहीं आई है, बट हां, और अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा हमेशा की तरह। एंड प्रोसेसर की बात करें तो अगेन ऐसा बताया जा रहा है बस कि हाँ, दोनों के दोनों स्मार्टफोन जो होंगे इस बार 5G होने वाले हैं, दोनों ही 5G होंगे। अब यहाँ पे कौन सा प्रोसेसर यूज किया जाएगा यहाँ पे तो नहीं बताया गया, बट हाँ, अगर हम देखें तो जो चाइनीज मार्केट में लॉन्च हुआ वही इंडियन मार्केट में Redmi Note 12 सीरीज के नाम से तो आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्पेक्स काफी हाई एंड रहते हैं और उस स्पेक्स के साथ में आती है तो यहाँ पे प्राइसिंग काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तो ऐसा तो नहीं हमें कुछ देखने को मिलेगा। बट अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे अब इंडिया लॉन्च के बारे में, तो सबसे पहले आपको लेकर अलर्ट चलना चाहूंगा Redmi इंडिया के ट्विटर अकाउंट पे। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहां पे जो इनका कवर पेज है, और मतलब कवर जो फोटो है उन्होंने चेंज कर रखा है, 8 यहां पे बना रखा है, थैंक यू इंडिया फॉर 8 इयर्स ऑफ Redmi Note। तो यहां पे Redmi Note सीरीज को टीज किया जा रहा है, 8 साल से यहां पे Redmi Note सीरीज चल रहा है इंडिया मार्केट में। अब यहां पे मैं स्क्रॉल करते हैं नीचे तो देख सकते हैं कि अभी 8 को घुमाया जा रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और हम नीचे जाएंगे तो Redmi इंडिया की तरफ से ट्वीट करा गया, वी बिलीव दैट ग्रेट परफॉर्मेंस स्पेक्स एंड डिजाइन इज फॉर एवरीवन, सकते यहाँ पे हैशटैग अगेन Redmi Note सीरीज यूज करा गया है। फिर यहाँ पे हम और स्क्रॉल करते हैं तो पिछले दो दिन से देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ Redmi Note सीरीज को जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीज करा गया है, द Redmi Note बिकेम द एमोलेड सीरीज। यहाँ फिर अगर हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 720Z दिया था इन्होंने Redmi Note 9 Pro Max में, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा था Note 8 Pro में। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो भी इन्होंने काम कर रखे हैं पास्ट में वो यहाँ पे हाईलाइट कर रही है और यहाँ पे हैशटैग Redmi Note सीरीज यूज कर रही है। और ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हमें Redmi Note सीरीज इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगे, क्योंकि Realme 10 Pro सीरीज से कोई भी तो कंपीट करने वाला होना चाहिए ना भैया इंडियन मार्केट में, तो जी हां में देखने को मिलेगा। अब अगर मैं आपसे इसके प्राइसिंग के बारे में सबसे पहले बात करूं तो दोस्तों देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि जो 20,000 के आसपास आपको स्टार्टिंग प्राइस देखने को मिलेगी। जी हां, 20,000 के आसपास प्राइसिंग देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे प्रो का होगा या फिर प्रो प्लस का होगा ऐसा यहाँ पे नहीं बताया गया, बट हाँ 20K के आसपास इसकी स्टार्टिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया लॉन्च करने की बात करूँ, देखिए एक डेट जो यहाँ पे बाहर निकल कर आई है जो बता रही है कि 16 से 20 दिसंबर के आसपास आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सही है यहाँ पे, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि या तो अगर दिसंबर के एंड में आया तो आया, नहीं तो अगले मंथ हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा, मतलब 2023 में देखने को मिलेगा। बट हाँ, एक डेट निकल कर आया जो बता रही है कि 16 से 20 दिसंबर के आसपास लॉन्च हो सकता है, जो कि पर्सनली मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी लेकर आएगी। तो अगले महीने आप उम्मीद रखिए कि मतलब हाँ, अगले महीने कंफर्म इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल जाएगा, अगले महीने नहीं, अगले महीने तक, अगले महीने से पहले हमें देखने को मिल जाएंगे। तो बस यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था Redmi Note 12 Pro सीरीज से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही एक और वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग, बाय बाय।